खबर जो निष्पक्ष है, खबर जो निडर है, खबर जो उठाती है आपकी आवाज, खबर 7C, खबर जो सच है। खबर 7C न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अमीषा पटेल। आइए ले चलते हैं और देखते हैं सुरेंद्र गुप्ता की यह बड़ी खबर। एक तरफ जहां 2019 का चुनावी रण पूरी तरह से तैयार है और पार्टियां अपने अपने तरीके से रण को जीतने में लगी हुई हैं, वहीं बात की जाए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की, जहां पर चुनावी नजारे के अलावा भाजपा के पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह का बागी तेवर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बना हुआ है। जी हम बात कर रहे हैं बलिया जिले की, जहां पर पिछले दिनों भाजपा कार्यकर्ता विनोद तिवारी और बलिया जिलाधिकारी भवानी सिंह खांगरौत के बीच झड़प। कल आप इसमें महोदय से मिलने गए थे, क्या क्या मकसद है सर, क्या मामला है? मामला तो पूरे प्रदेश को पता है, भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्य समिति सदस्य श्री विनोद तिवारी जी को जिलाधिकारी बलिया 1 अप्रैल को बुला करके अपने चैम्बर में कैंप कार्यालय पर और उनके साथ मारपीट किया उन्होंने और उनको बंद करा दिए। फिर बंद करा कर भेजे तो थोड़ी देर बाद तहसीलदार को बुलाकर उनसे फर्जी FIR दिलवाए। इसके बाद 2 दिन बाद पुनः वो SC ST का मुकदमा भिजवाए। इस तरह से वो बदला लेने की भावना से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को परेशान कर रहे हैं। उनका एटीट्यूड भी एंटी भारतीय जनता पार्टी शुरू से रहा है। उसी के विरोध में हम लोगों ने SP महोदय को कल एक प्रतिमंडल के द्वारा एक पत्रक दिया हम लोगों ने और कोर्ट से भी अपील कराई गई है कि श्री विनोद तिवारी जी पर जो जिलाधिकारी महोदय ने हमला किया है उस हमले की FIR कराई जाए और उनकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि भारत के संविधान में, भारत के IPC में, इंडियन पैनल कोड में कोई ऐसा धारा नहीं मिलती है जिसमें किसी के ऊपर कोई थप्पड़ बुला करके मारे